देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर ना भागित तो ये मुसीबत ना आईत। वो कहावत है ना, हवन कल जला हाथ जलेला, यही कल जला शोभा जी। यश और लेखा के भलाई खातिर के अच्छे स्कूल में डलवा दी हलस, लेकिन आपके पोता और आपके बहू ऐसा जता रहा जैसे यश को पाप कर दी हले बा। वो बित्ता भर के लेखा के वजह से आज एक घर पर इतना बड़ा मुसीबत आ गिल बा। यही से हम सबसे कहले रहनी, हमको यश खातिर पत्नी चाहिए, केहू और के बच्चे के माँ नहीं। गायत्री, कबो तो अपन जबान के बस में रखल करा, बिना सोचला समझले जौन जी में आवेला कह देलू। ए बेरा का जरूरत बा पुराना बात उधेड़ा के, इकनो समय है बीता बात उधेड़ा के। देखिए दुबे जी, हमनी के अंश के आपके बहू के साथ ही अपने लिए बनी। देखिए अंश केहू के भी संतान होके अब ये घर के बेटा है, और अगर खुशी और अगर सुरक्षा के हमनी के उतना ही चिंता बा जितना हमनी के घर के दूसरे बच्चन के बा। बस बात इतना सा बा कि हमनी के ओकरा के छुड़ावे खातिर पैसा नहीं देवे के चाहत। आज तक अपन आदर्श के सहारे जीते आयल बानी हमनी के, ऐसे हमरा कानून और इंसाफ पर पूरा भरोसा बा। आप ही बताएं दुबे जी, आप केकर बात पे विश्वास करब? आप पुलिस के बात पे विश्वास करब या वो बदमाश लोग के, जे लोग खातिर चंद रुपया पैसा ही भगवान बा ईमान बा? जो विश्वास के साथ आप आपन बहू और आपन पोता के घर के हिस्सा बना के भेजले बानी, वो विश्वास के बनाए रखे के पूरा कोशिश करे भावने के। अंश सकुशल घर आ जाए, हम आपसे वादा करते हैं, आप जाइए और अर्पिता से मिलने, अच्छा लगे उकरा। चली, हम आपके अर्पिता के पास लेके चलता नहीं। कहाँ ले गए ले अंश के, किडनैप कर ले ले उकरा। न जाने कौन हाल में होई, भूख से तड़पत होई, हमरा से मिले चाहत होई माँ। हमारा अंश के हमरा पास ले आवा, प्लीज हमारा अंश के अपना पास ले आफा। बेटा, अंश आ जाए ऐसे हिम्मत ना हारल जाला। ये कले रनी ना आप की दोसर शादी करला आरती, तोहार और अंश के जिंदगी में खुशी ही खुशी भर जाए। बिना अंश के कैसन खुशी माँ।
बताना कौन हालत में हुई, कहीं से रख ले हुई उकरा के। अंश के कुछ ना होगी, भगवान पे भरोसा रखा आरती। कैसे करी वो भगवान पे भरोसा, ये जिंदगी हमरा से बहुत कुछ छीन ले बा, बाकी फिर भी हम सिमटनी, संभलनी, खड़ा बहनी, आगे बढ़नी, जिंदगी में सबके खातिर मिसाल कायम कहनी। बाकी आज फिर वही भगवान हमरा से हमारी जिंदगी छीन लेलस, हमारा अंश छीन लेलस। सच तो ही बाकी अब हमरा केहू पे भरोसा ना हो सकेला, केहू पे ना। हेलो, का वो लोग पुलिस वाला के खबर कर देले? कहले रहनी हम, कहले रहनी हमरा संगे कौन गड़बड़ी मत करिए, फिर भी ठीक बा, देख ले हम भी। कहता नहीं बच्चा से दूर रहा, तू हाथ न लगाई बा बच्चा के, छुइया मत बच्चा के। ए अमीर के औलाद, बच्चा के छोड़ दा, छोड़ दा ओके, छोड़। मम्मा, मम्मा, मम्मा से बात कर बा, मम्मा के आदर हल बा बहुत, अभी बात कराओ तनी, अभी बात कराओ तनी बेटा। मम्मा, मम्मा, मम्मा। बहुत जल्दी उठा ले लू फोन, तू बहुत प्यार कर लू ना अपन बच्चे से, तू कहे हमारा अंश आपके पास बना? जी जी बिल्कुल हमारे पास बा, ला अभी बात करा देता नहीं, चल बे बात कर। हेलो मम्मा। हेलो, हेलो अंश, अंश बेटा, अंश तू ठीक तो बड़ा ना अंश? ना मम्मा, घर ले चली ना, बहुत डर लग रहा ला मम्मा। डरा मत बेटा, डरा मत, मम्मा तेरा पास जल्दी आ जाई, तू बस बतावा तू कहाँ बड़ा, कहाँ बड़ा तू? यहाँ बहुत अंधेरा। अबे बस बहुत हो गई, बातचीत के वक्त खत्म, बहुत प्यार कर लू ना अपन बच्चा से, तू प्लीज प्लीज हमारा अंश के कुछ मत करियो, हम आपसे भीख मांगा था नहीं, प्लीज हमारा अंश के कुछ मत करियो। तो पुलिस के बीच में काहे ले लू तू, हां पता चले ला हमरा कि तू का कर रहल बड़ू और केकरा से बात कर रहल बड़ू, और हां जाके समझा दे अपन घर वालन के कि दोबारा पुलिस के बीच में लावे के कोशिश मत करे, वरना तो अपन बच्चा के मरल मुंह देखबू, समझ गेलू तू? प्लीज ऐसा कुछ मत करियो प्लीज। हेलो, 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 कुछ पता चला आपके कि केकर मोबाइल नंबर आयल, कौन एरिया से कॉल आयल रहल, या कोनो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हमनी के काम आ सके? हमनी आपके फोन टाइप करके रख ले बानी, जैसे ही कुछ पता चला था हमनी आपके इन्फॉर्म कर दी हल जाई। भैया कुछ पता ना चला, बहुजी बहुजी बहुत हो गई, हमने के पुलिस वाला के भरोसे नहीं रुक सका, हमने के फैसला अबे और यही बेरा करे के हुई। प्लीज बहुजी आप हमरा के पैसा के इंतजाम करे दी। फिर वह बात,
तहारी सोचल गलत बा कि किडनैपर्स के पैसा देहला से अंश मिल जाए, जरूरी नहीं है। इस सड़क छाप लोग के दबाव में आके तू अपन सोचे समझे के शक्ति खो देले बड़ा यश। अरे कुछ नहीं के कर सकत हूँ लोग, तू पढ़ा लिखल बड़ा, समझदार बड़ा, अकल से कमला। आरती, आरती बेटा संभाले अपना। कैसे संभाली माँ, ये जानत भी कि इनकर वजह से हमार बच्चा के जान जा सकेला। आरती भाईल क्या बा बताई वो? बताई बाऊजी, सब बताई, बाकी पहले उनका बताई जिनका पता होके के चाहिए। आरती हमार बात सुनो बेटा, आरती सुनत, आरती हमार बात सुनो बच्चा। पुलिस पे भरोसा रखे के बात करत रहनी ना, पुलिस के ओके के बावजूद हमरा के फोन कैलस, बहुत हो गयल, कितना इंतजार करब और कब तक, जब तक वो किडनैपर अपन सब्र तोड़ ना देवेला, जब तक हमारा अंश के जान ना लेवेला तब तक। आरती बस माँ बोले था आज हमरा के, वहाँ हमारा अंश बहुत प्यास से तड़पा था और यहाँ आपके पुलिस फोर्स जूस पिए। हम आपसे पूछा था नहीं बहुजी, आप भी तेरे को पिता बड़े ना, फिर आपके दिल इतना कठोर कैसे हो सकेला। तमीज से बात करा बहू, तो अपने ससुर के सामने खड़ा बाड़ू, इनके सामने आज तक इनकर बेटन के बोले के ऊंची आवाज में हिम्मत ना भइल, तू तो बहू हो। बहू भइनी ते का भइल, बोले के अधिकार नहीं के का हमरा के, चाहे हमार अंश के जान चल जाए और हम चुप रही ना। मम्मी जी माफ करिया, बाकी आज हम चुप ना रहब। हम आपसे पूछा था नहीं बहू जी, जब वो किडनैपर मना कह ले रहे कि पुलिस वाला के इन्फॉर्म मत करिया, तक का है का इन्वॉल्व करनी आप पुलिस वालन के केस में, काय बतानी आप उकरा के, एक बार ना सोचनी की क्यों हमारा अंश की जान ले सकेला। आपका सोच अब, एगो माँ के दर्द आप कहा जाना, शायद आपके सीना में दिल ही नहीं खे। बस बहू समझाओ एक रखे, अपन सीमा में रहो। बहू हमने सब चुपचाप बकवास तुहार ऐसे सुनता नहीं कि कहे कि तू अपन बच्चा खोले बाड़ू, और हम तुहार दर्द समझे नहीं, लेकिन एकर मतलब ये ना कि तू कुछ भी बकते जाइबू। हाँ मानते नहीं हमने के हैसियत पर 10 करोड़ देवे के, लेकिन हमने के यो सोच रखे नहीं कि जोन भी करे के बा कानून के दायरा में रह के करे के बा। तब तक बहुत देर हो चुकल हुई, तू मार दिया हमारा अंश के। हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता नहीं भाजी, बस हमरा पे एक एहसान कर दी, वो किडनैपर के दे दी 10 करोड़ रुपया, भुला ली हमारा अंश के, हम आपके यशान जिंदगी भर ना भूला भाजी, जैसे रखब हम रह जिंदगी भर आपके गुलामी करब, एक शिकायत ना करब, आवाज तक ना निकालब, बाकी भाजी हमारा अंश के वापस बुला ली, प्लीज भाजी आप ही मानी जे हमारे अंश के दूसर जिंदगी दे सके, प्लीज बाबूजी प्लीज। समझ कर रख ले बाड़ू तू बहू, कि तहार बच्चा से हमने के कोनो लेहल देहल नहीं खे, कोनो संबंध नहीं खे, हम जोन करत नहीं सोच समझ के करत नहीं, अच्छा बुरा परख के फैसला ले ले बानी हम। ना बाबूजी, जिस बात में आके अगर हम कुछ भला बुरा कर देनी तो हमरा माफ कर दे माँ, बाकी हमार गुस्सा हमार बेटा पे मत उतारी। मम्मी जी प्लीज हमार बेटा के वापस ले आई, हम ना रह सके नहीं ओकरा बिना। भाभी आप भी तो माँ बनी ना, आप बोली नहीं लोगन के, आप तो हमार दर्द समझ सके नहीं, बोली ना इनका सके हमारा अंश के वापस ले आई। भाभी अगर हमारा अंश के कुछ हो गया तो हम जिंदा ना रह पाए। भाभी भाभी प्लीज इनका से कही ना, भाभी कहीं ना। हिम्मत रखो, बस सब ठीक हो जाए। किडनैपर बहुत बुरा तरह धम कहले होके, ऐसे जब से किडनैपर फोन कहले हो तब से बहुत ज्यादा घबराइल बाड़ी। बस बस
हम कहनी ना आरती जी कि अंश हमार जिम्मेदारी बा और हमरा रहते हुए अंश के कुछ ना हुई। माफ करें बहुजी, समय बहुत कम बा और हम फैसला कर ले बानी कि 10 करोड़ के इंतजाम हम ही करें और हर हाल में अंश के वापस घर लेके आए। भाभी आरती जी के अंदर लेके जाए। परिधि बहू चला। बहू जी अगर हम ये फैसला ना लेती तो अंश के जान के खतरा होइत। बस यश आश्चर्य होता हमरा कि जोर औरत के घर में आयल कुछ दिन भइल बा ओकरा खातिर तू अपन पिता के बात के अंत सुना कर सकत रहा। यह संस्कार देले बानी हम तारा के क्या अपन माता पिता के अपमान करा। बहू जी ना तो हम आपके बात के अनसुना करत नहीं और ना ही आपके अपमान करत नहीं। हम जौन भी करत नहीं अपना खातिर करत नहीं ताकि हम अपने आप से नजर मिला सके ताकि हमार जमीर हमने से काल सवाल ना करो। बहू जी हम शादी करे के बिना अपना आपसे वादा कर ले रानी कि अंश के साथ कबो ना इंसाफी ना होके दे जो ना तेरे हम पायल और पलक के ख्याल रखे नहीं वही तरह अंश के भी ख्याल रखा। आज तक हम आपके हर बात मनले बानी पर भाव जी आज आपके बात हम नहीं मान सकत। आज अंश का जान खतरा में बा तो फिर हम चुप कैसे रह सकत नहीं। भाव जी हमारी बात तो सुनी माँ आप तो हमार बात समझ सकते नहीं अंश के बचावे खातिर हमरा के कुछ करे के पड़ो हम करब और जरूर करब चाहे एकरा खातिर हमरा के बाऊजी की नाराजगी कहना करे के पड़ो। अगर आपके कोनो भी चीज के जरूरत पड़े तो हम के बता दे हम पहुंचा दे और अगर हो सके तो आरती के खाना खिला दे। उस सुबह से कुछ न खा लिया कुछ समझ में ना आ रहा बा बहुत डर लगा था पता ना कहा हुई अंश के कुछ ना होगी बेटा याची पे भरोसा रखा तो सुन लू ना अंश के खातिर पैसा देवे खातिर भी तैयार हो गई नहीं अपन पिताजी जिनकर उस सबसे ज्यादा मान रखे ने उनकर फैसला के खिलाफ जाके वो फैसला लेनी है
हम कहत रहनी ना यश जी बहुत भला इंसान बाड़न। तू देखिया बेटा वो अंश के सही सलामत घर वापस लेके आ जाइए, चिंता मत करा। राम राम राम। इतना बरस में आज तक हम भैया के सामने केहू के अपन आवाज ऊंचा कर देखबे ना कहनी। चला विधि बहु तू तो एक घर में पुरान बाड़ू, लेकिन परिधि बहु अरे ई का सोची भला कि एकरे ससुर जी का बस इतना ही इज्जत पा उनके अपना ही घर में। चार दिन ना भइल अर्पिता बहु के एक घर में अइले, लेकिन हिम्मत देखा होकर पूरा घर परिवार के सामने भैया के चार गो बात सुना दी हलस। अर्पिता कोई बदतमीजी ना कर ली बुआ जी, वो बेचारी की तो होश ही कहाँ, अंश के चिंता में दर्द से तड़प रहल बाड़ी हो। बेचारी बा तोहरे खातिर, वो तांडव करे वाली खातिर तोहरे मन में हमदर्दी बा, लेकिन अपने ससुर जी के सम्मान के कोनो चिंता नहीं के तोहरा के। भाई वाह, ऐसी बात ना बुआ जी। बहुत तरस आवत अपन देवरानी पर ना, काहे ऐसा का कर दलस तुहरे खातिर, बहुत सेवा कर दिया लस तुहार, चलो कर गुणगान कर रहल बाड़ू। यही बात से डेरात रहनी जी जी, हम शुरू से सबसे कहत रहनी कि एगो शादीशुदा के वह एगो बच्चा के माँ के बहू नहीं बनावे कि हमरा के। हमरे यश के लेकिन के कमी बका एगो ढूंढा हजार मिल जाई है, लेकिन क्यों हमार सुने तब ना। आज औरत के खाली अपन बच्चा दिखाई देता, तमीज मान मर्यादा सब कुछ भुला गेल बिया, ऐसा औरत को भरोसा नहीं खे। आज घर में मुंह खुलने बा, कल गली मोहल्ला में बोले, और परसों पूरे दुनिया के सामने बदतमीजी पर उतार आई। अरे जी जी, छोट लोग होला ही है जन, इनकर खुद का तो कोनो इज्जत होखेला ना, ना कर परवाह होखेला, लेकिन हमने के इज्जतदार लोग है के ना, समाज बिरादरी में हमने के इज्जत बा ना। गायत्री जी, हमार आरती ऐसा लाइक की नहीं थी, आपके ना पता है, लेकिन हम ओके अच्छा तरह से जाने नहीं। इतना सब कुछ भाई लुकरे साथ है, इतना दुख इतना धक्का मिला, लेकिन वो कभी केहू पे उंगली न उठाई ली, केहू के बुरा न कहले, केहू के दोष न दे ली, बल्कि अपन सारा दुख सीना में समेट के अंश के अपन दुनिया बना ले ली। लेकिन गायत्री जी, अब अंश के ही मुसीबत में पड़ल देखकर दुख में ही सब कुछ कह गई, क्योंकि अपमान करके इरादा से ना, बल्कि अपन बेटा के सलामती के चिंता में। गायत्री जी, आप आरती के माफ कर दी, वो एक औरत की पीड़ा रहे, दुख रहे, बदतमीजी ना। हाँ शोभा जी, सिर्फ आपके आरती ही तबा जो ने दुनिया में माँ बनलवा, बाकी सबका बच्चा आसमान से टपकल बाड़े। जोना दिन से आपकी आरती घर में कदम रख ले बिया, वही दिन से चैन का एक सांस ना लेनी जा हमनी के। बस हर वक्त अंश 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 करत रहे ले, न पति के ख्याल बनाए परिवार के, बहुत सहन कहले मनी जा हमनी के, और ये सोचत रहनी जा कि आज ना तक काला आरती और अंश अपने आप के ढाल लिया है घर में। पर आज अंश ए तरह भाग के और आरती अपने ससुर के सामने एक तरह मुंह खोल के साबित कर दे ले बिया कि उदुन अपने मर्जी के मालिक हुए और एक घर के कबो अपन घर ना समझ पाई है। आरती के तो हमने अपने हिसाब के ढाली लेवल चाहे, लेकिन आपका पोता ओके कबो एक घर से जुड़े ना दी। का शिक्षा दे ले बानी आप लोगों के, हमको तो लागे ला वो अपने बाप पर गई बा। खून का सर जाला थोड़े ना, कुछ भी बोले से पहले एक बार सोच ली। हमने लड़की वाला जरूर बनी, लेकिन एक और मतलब ये ना कि आप हमने के अंश पे कोनो भी तरह के इल्जाम लगाते चल जाए। बहुत प्यार बना अपने पोता से, तरक्की न कर अपने पास, यही जा कहाँ भेजनी। रहना दी मम्मी जी, आप अपन बीपी कहाँ हाई कर रहल बनी।
आंटी जी, हमने सबके अंश की चिंता और दुख में तकलीफ में चिंता में सब भूल जाले कि अपन बात के सामने वाला के बुरा भी लग सकेला। आप मम्मी जी के बात के बुरा मत माने। का बात बा शोभा, परेशान लग रहा बड़ो। बाहर समधन जी कहली ना का कुछ तरह से। शोभा, हम सोचत रहने की एक बार प्रशांत से बात कर ली। प्रशांत से? उसे बात करके का जरूरत था? जरूरत बा शोभा, यस पे भरोसा बा हमरा। लेकिन अगर अपन परिवार के दबाव में आके मजबूरी में यश फैसला बदल ले ले तो फिर रुपया के इंतजाम कैसे होगी? प्रशांत अंश के बच्चा बा और अपन बेटा पे आयल मुसीबत के सुन के उस जरूर जमीन आसमान एक कर दी। इतना सब कुछ होके के बाद आपके प्रशांत पे इतना विश्वास? विश्वास प्रशांत पे नहीं खे, पर एक पिता के दिल पे बा। अंश खून बा होकर जब हमनी से अपन पोता के तकलीफ सहन नहीं के हो पा रहल तो फिर वो बाप होके कैसे मदद ना करी? लेकिन यश जी पैसा के इंतजाम करत बानी ना। अरे पैसा के इंतजाम करे के होखत तक अब के कर चुका होते हो। शोभा प्रशांत से एक बार बात कर ले विदा। हमनी के भी तो अपन तरफ से कोशिश करे के चाहिए ना। एक बार बात कर ले विदा। प्रणाम बाबूजी। सब कुछ ठीक बा ना बाबूजी? आप ए वक्त फोन के नहीं, हमके घरे बुलाओ के फैसला कर ले बनी का? ना प्रशांत, हम फोन सिर्फ ऐसे कहले बनी की तो हर बेटा हमार पोता तकलीफ में बा, मुसीबत में बा, किडनैप हो गई बाबू और किडनैपर्स 10 करोड़ की मांग कहले बने। हमार समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा रकम इतना जल्दी हम कहां से लेके आए। बस यही खातिर फोन के लिए बनी तोरा। बाबूजी आप हमार आर्थिक स्थिति जानत बानी और रहल सवाल अंश के तो कर सलामती की जिम्मेदारी होकर नया बाप के बा। जैसे शादी करके आपके बहू बनल बेटी बहुत बड़ा कदम उठो ले भैया, यही से बेहतर हो कि आप वही यश सिंधिया से कहीं कि वो पैसा के इंतजाम करे। हाँ ठीक बा। मिल गई दिल के तसल्ली। वो कह रहा बा कि वो पैसा के इंतजाम करी, फोन करी वो हमरा। झूठ बोले ना अवेला तो झूठ बोले नहीं कहे। हम प्रशांत के जननी, हम ओके अच्छा तरह से समझेनी। झूठ बोल के अपन बेटा के तरफदारी मत करी। और रहल सवाल अंश के तो ओके ढूंढे में यश जी कोनो कसर ना छोड़ी है हमार भरोसा। उनकर परिवार वालन चाहे कुछ भी कहे ना कहे लेकिन यश जी पर हमके पूरा भरोसा और उनका पर विश्वास करके ही मारती के शादी उनका से करवाइनी है। मम्मा भी ऐसी खिलावत। आवाज मत करिया, धीरे धीरे खाला चुपचाप। क्या हो रहा बउआ? अब कुछ ना, वो बच्चा के गर्मी लगत रहे। हाँ तो लगे देना साला के गर्मी। जितना रोई तड़पी ना एक घर वालन के तिजोरी के मुंह तबे खुली। कह
काहे ले आई नहीं बच्चा के हम अपन घर। अरे थोड़ा देर भूखा ही रह जाए, कम से कम अपन माँ के पास तो पहुंच जाए। कितना तड़पत होगी बेचारी। हे भगवान, बहुत बड़ पाप हो गए हमरा से, हमके माफ कर दी और कोनो रास्ता बताई जैसे जैसे बच्चा के सही सलामत लालची आदमी के चंगुल से छुड़ा ली। बहुत चलाक समझ लू तू अपना आप क्या। छोड़ी ना मम्मा। का सोचत रहलू तू कि तू चुपके चुपके चूहा के खाना खिला दे वो और हमारा पता ना चली है। सब जानत रानी हम सब जानत रानी, लेकिन कुछ ना बोलनी पता बका है कहे कि चूहा के जिंदा रहल भी तो जरूरी बना। एक बात कान खोल के सुन ले तू मंजू, अगर तू चूहा के भागे में मदद करू ना तो तोहर तो कुछ ना बिगड़ी, लेकिन चूहा बेमौत मारल जाई समझ लू। यस जी प्लीज, एक बार फिर से सोच ली। इतना बड़ा प्रॉपर्टी आधा कीमत पर बेचा था नहीं, हमरा के तनी सा टाइम देती एकर डबल कीमत दिलवा सकता नहीं हम आपके। हमरा लगे टाइम ही तो नहीं है, हमरा के अभी और यही वक्त पैसा की जरूरत बा। जैसा आपके मर्जी, आपके घर पहुंचा ले 7 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। एफडी के 3 करोड़ रुपया मिल गए बा हमरा, अभी 10 करोड़ दे के अंश के वापस ले आवे के हुए हमरा। बाबूजी, आप खतर खाना लेके आइल बनी, खा ली। भोग नहीं खे हमरा। हेलो, हाँ कहीं केकर फोन रहल जी। ब्रोकर के यश 7 करोड़ में फार्म हाउस वाला प्रॉपर्टी बेच देले पड़े। उस जमीन के एगो टुकड़ा के ना अपन बाप के इज्जत के सौदा के लिए पा। आपके तो पता चलिए गए हुए, लेकिन फिर भी बतावल हमार फर्ज बा कि 10 करोड़ के इंतजाम हो गए बा, फार्म हाउस वाला प्रॉपर्टी बेच देनी और एफडी से पैसा भी निकाल लेने बनी। हमार मना कैला के बावजूद अपन मनमानी कैला के बाद हमरा के ये सब बतावला के का मतलब। बाबूजी हम जाना था नहीं कि आपके एकरा से खुशी नहीं के, पर बाबूजी हम आरती जी शादी अपन बच्चन खातिर कर लेना नहीं,
अंश खातिर एक कदम उठा के हमारे दिल में बहुत सुकून पहुंचल बा। और पाऊ जी, जिम्मेदारी निभावे की जौन शिक्षा आप हमरा के दिले रहनी, ओकर आज हम सही समय पे इस्तेमाल कर ले बानी। एमे यश के कोनो दोष नहीं है जी, ई सब बहु के असर है। बहुत चालाक बियार पिता बहु, बहुत होशियार। आजकल के लड़की अपने पति के उनके माँ बाप से छीन ले ली। कोसतनी ओ घड़ी के जब ई पुनर्विवाह भइल रहल, करोड़ रुपया हमने तो 10 जन्म में सोच भी नहीं सके नी। शोभा जी, आप लोगन खातिर खुश खबरी है। रातों रात चुटकी बजा के यश आपके पोता खातिर, आपके आरती के बेटा के बचावे खातिर 10 करोड़ रुपया का इंतजाम कर ले हलस। अपन पिता के खिलाफ जाके हमार बेटा यश अपन मेहनत से खरीदल प्रॉपर्टी बेच दी हलस, अपनी एफडी तोड़ दे ले बा। और यह अनहोनी पहली बार हमने के परिवार में भइल बा। शोभा जी, आपकी आरती जेके हमने अपन बेटा यश के बिखरल घर के बसावे खातिर लेके आयल रहने, उहे आरती हमने के घर तोड़ दिहलस। ओ बेटा के अपना पिता के खिलाफ खड़ा कर दिहले बिया। जौन बेटा आज से पहले अपने बाऊजी के कोनो भी बात के, कोनो भी आज्ञा के अनसुना तक ना कैलस, ना मानल, तो बहुत दूर की बात है। आज हमें इनके और अपने तरफ से आपसे कुछ कहे आयल बानी जी। हम 10 करोड़ रुपया दे के अंश के आजाद कराए खातिर तैयार बानी जा। हमने सिर्फ इतना चाहा था नी के कि अंश के घर आवे के बाद आप अंश के अपने साथ लेके जाए। आरती के अगर ये घर में रहे के बाद अंश के बिना ही रहे के पड़ी। यश के पत्नी बनके, पलक और पायल के माँ बनके और एक घर के बहू बनके अंश के खातिर एक घर में कोनो जगह नहीं खे। गायत्री जी, आरती अंश के बिना रह ही ना पाई। वो तो शादी भी है शर्त पर कैले रहले, अपना खातिर ना, अपन बच्चन खातिर आप लोगन से रिश्ता जोड़ ले रहले। वो अंश के बिना जी ना पाई गायत्री जी, जी ना पाई।